नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि नौमांश कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र विवाह के आयु की गणना करने के लिए। बहुत ही सटीक सूत्र हैं यह लोग, आप लोग भी अप्लाई करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत चीज़ें होगी, बताइएगा जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक रिंग बेल होगी इसको प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो मेल जरूर कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, केपी, लाल किताब, टैरो, पामेस्ट्री, वास्तु, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी उपलब्ध है। अब चलते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग जाने कि आपके नौमांश कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इसमें अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी का, और जान सकते हैं अपनी विवाह की आयु की गणना। दोस्तों वो करना क्या है आपको, यहाँ पे मैंने एक कुंडली ली है, लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली है। मीन कुंभ लग्न का लग्न कुंडली है, ठीक है, और इनका जो राशि है मीन राशि है। नौमांश कुंडली में वृष लग्न है और जो इसमें चंद्रमा देखिए, इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि में, ठीक है। अब दोस्तों कैसे गणना करनी है विवाह की आयु की गणना करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग देखना है कि लग्न का सप्तम भाव का स्वामी, आपको देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी क्या है, सूर्य है, ठीक है। लग्न का सप्तम भाव में जो पड़ने वाली, यानी ये फर्स्ट हाउस जो होता है आपका लग्न होता है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ठीक है। तो सातवें भाव में यहाँ पे सिंह राशि लिखी है। लग्न का सप्तम भाव का स्वामी का जो राशि नंबर है वो लिख लीजिए 5 नंबर। नौमांश कुंडली में भी सप्तम भाव के स्वामी का राशि नंबर लिख लीजिए 8। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 13 = 4। राहु आया, राहु का नंबर आ गया। राहु देखिए कहाँ बैठा हुआ है लग्न चार्ट में, वृश्चिक राशि में। तो आपको क्या है, राहु लग्न चार्ट में वृश्चिक राशि में और नौमांश कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है, मकर राशि में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लग्न का यहाँ पे लिख लेना 8 नंबर और फिर इसके बाद लिख लेना है नौमांश कुंडली का राहु का किस राशि में बैठा है, तो इसको जोड़ देंगे 18, 9, तो मंगल आ जाएगा, ठीक है, 4 और 9। तो अब विवाह का समय ज्ञात करना है, तो वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 36 वर्ष की आयु में ये दिख रहा है विवाह, ठीक है। दूसरा क्या करना है, फिर क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि इसमें लग्न चार्ट पे कौन कौन से ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं और कौन से ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों की राशियाँ क्या है। तो यहाँ पे आपको ये देखेंगे कि मंगल है और गुरु है, मंगल और गुरु सप्तम भाव में दृष्टियाँ डाल रहे हैं उस पर, ठीक है। तो मंगल का 5 नंबर लिख लिया और गुरु का 11 नंबर लिख लिया और यहाँ, ठीक है, गुरु का 11 नंबर लिख लिया। अब ये भी ये देखेंगे कि सप्तम भाव का जो स्वामी है ये मंगल ग्रह नौमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है ये भी देख लेंगे, वहाँ पे भी वो सिंह राशि में बैठा हुआ है और गुरु देख लेंगे कहाँ बैठा हुआ है, गुरु मेष राशि में। तो 1 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 वर्ष। तो यानी कि विवाह की आयु इनकी 22 से 36 वर्ष की आयु के बीच में विवाह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विवाह की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है कुछ छोटे अनोखे सूत्र, तो इसको आप दारा से जान सकते हैं कि विवाह की आयु कब किस वर्ष में होगी। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सपोर्ट करें। समस्याएं हमें मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक की क्लासेस स्टार्ट है, केपी, लाल किताब, टैरो, पामेस्ट्री, वास्तु, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।